हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो आज की इस वीडियो में जो है हम इम्पोर्टेंट 100 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, और जो एमसीक्यूज हैं आपको सही फार्मा एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जीपैट, नैपैट, ड्रग इंस्पेक्टर और स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम्स है, किसी भी स्टेट का आपका फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, तो ये एमसीक्यूज आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप किसी भी फार्मा एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा सॉल्युबिलिटी डिटरमिनेशन, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ ड्राई ग्लिसरीन टू ड्राई जेलेटिन फॉर हार्ड, तो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स के लिए जो रेशियो होता है ड्राई ग्लिसरीन और ड्राई जेलेटिन का जो रेशियो है वो आपने बताना है। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका 0.4:1 होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड एन अल्कोहल प्रोड्यूस एन एस्टर एंड, ठीक है, एसिड और अल्कोहल के बीच में रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, एसिड एस्टर बनता है एंड वाटर, ऑप्शन ए हो जाएगा वाटर। नेक्स्ट है म्यूरिकसाइड टेस्ट, आपको पता ही है किसके लिए होता है, कैफीन के लिए होता है ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा कैफीन। नेक्स्ट है विच टेस्ट इज परफॉर्म टू टेस्ट द ससेप्टिबिलिटी टू डिप्थीरिया, डिप्थीरिया के लिए शिक टेस्ट याद रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा शिक टेस्ट। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग केमिकल डिग्रेडेशन आर ट्रू एक्सेप्ट, ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेना ये, तो इसका आंसर हो जाएगा एज टेम्परेचर इंक्रीज डिग्रेडेशन डिक्रीज, ठीक है, इस स्टेटमेंट्स को छोड़ के सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। ओके, नेक्स्ट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सर्फेस ऑफ टेबलेट इसको मॉडलिंग बोलते हैं, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा मॉडलिंग। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव हैज़ अ सिमिलर स्ट्रक्चर एज दैट ऑफ डायूरेटिक एजेंट क्लोरथायाजाइड्स, तो क्लोरथायाजाइड्स का जैसा सिमिलर स्ट्रक्चर जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कौन सी है उसका होता है, डायजोक्साइड का, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 000 साइज कैप्सूल कैन फिल द वॉल्यूम ऑफ, तो ये जो लार्जेस्ट साइज होता है कैप्सूल का 000, स्मॉलेस्ट आपको पता है 5 वाला होता है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा 1.36 ml। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ टेबलेट इनटू टू और मोर डिस्टिंक्ट लेयर, इसको लेयर्स में टैबलेट सेपरेट हो गई उसको लैमिनेशन बोलेंगे, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एनकीफेलिन्स आर, तो एनकीफेलिन्स क्या होते हैं तो आपको ध्यान रखना है इसके लिए ये पेंटापेप्टाइड्स होते हैं, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। एनकीफेलिन्स क्या होती है, एंडोजीनस लिगेंड्स विच आर पेंटापेप्टाइड्स दैट आर लोकलाइज्ड इन सम नर्व एंडिंग्स, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बिनोरिलेट इज ए प्रोड्रग, ध्यान रखना बिनोरिलेट क्या है, प्रोड्रग है, केमिकली इट इज़ ए पॉलीमेरिक कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ, तो ये होता है एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड ऑफ पैरासीटामोल, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एज पर IP परसेंटेज ऑफ सुक्रोज इन सिंपल सिरप IP इज, तो ध्यान रखना 66.7% वेट पर वेट होता है, तो ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एसिटोनाइड्स आर प्रिपेयर टू इम्प्रूव द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टेन ड्रग्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवेलेबल एज एसिटोनाइड, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ट्रायमसिनोलोन्स, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है पिक्रिक एसिड एक केमिकल कंपोजिशन ऑफ, तो ये हो जाएगा हैगर्स रिएजेंट, ऑप्शन सी हो जाएगा हैगर्स। नेक्स्ट है इंडियन बेलाडोना इज, तो ये होता है एट्रोपा बेलाडोना वेराइटी एक्यूमिनेट, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पैराडाइमिथाइल एमिनोबेंजल्डिहाइड इज ए केमिकल कंपोजिशन ऑफ, तो ये वान अर्क रिएजेंट होता है जो किसके लिए होता है, अर्गट अल्कलोइड्स के लिए होता है, और अर्गट अल्कलोइड्स के साथ ब्लू कलर देते हैं, सारी बातें याद रखनी है, ऑप्शन ए हो जाएगा वान अर्क रिएजेंट। नेक्स्ट है हार्डनेस ऑफ टेबलेट इज मेजर्ड बाय, तो इसका प्री कंप्रेशन, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ओपियम डज नॉट कंटेन द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो देखिए ओपियम के अंदर मिकोनिक एसिड होता है, बाकी कैल्शियम ऑक्सलेट टैनिन्स रेजिन ये स्टार्च कुछ नहीं होते, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मतलब ओपियम डज नॉट कंटेन द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब मिकोनिक एसिड को छोड़ के और कुछ भी ओपियम में प्रेजेंट नहीं है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पेनिसिलामिन क्या होता है, चिलेटिंग एजेंट होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंटीऑक्सीडेंट में सोडियम सल्फाइड आता है, सोडियम बाइसल्फाइड आता है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आता है, सोडियम क्लोराइड नहीं आता, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एल्केप्टोन्यूरिया इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, तो इसमें होमोजेंटिसिड एसिड ऑक्सीडेज, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, इसकी डेफिशिएंसी से होता है एल्केप्टोन्यूरिया। नेक्स्ट है बाइल सॉल्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय, तो बाइल सॉल्ट्स के लिए होता है हेज टेस्ट होता है, पैटनकोफर टेस्ट होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। गिमेलिनोफोचे टेस्ट होते हैं बाइल पिगमेंट्स के लिए होते हैं ना, बेंजोडीन टेस्ट है ये ब्लड के लिए होता है, ब्लड इन द यूरिन इज डिटेक्टेड बाय बेंजोडीन टेस्ट, और कीटोन बॉडीज के लिए होता है रोथीरा टेस्ट होता है। नेक्स्ट है थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, तो
तो ये हो जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है परनीशियस एनीमिया इज कॉज्ड बाय, तो ये होता है एब्सेंस ऑफ इंट्रेंसिक फैक्टर ऑफ गैस्ट्रिक जूस, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ड्यूरेबिलिटी ऑफ टेबलेट टू कंबाइन इफेक्ट ऑफ शोक एंड एब्रेजन इज इवेल्युएटेड बाय यूजिंग, तो इसके लिए फ्रायबिलेटर यूज करेंगे, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा फ्रायबिलेटर। नेक्स्ट नक्स वोमिका इज बायोलॉजिकली ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड ऑफ स्ट्रैकनोज नक्स वोमिका, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप बी जिलेटिन इज हैविंग आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इन द रीजन, तो टाइप बी के लिए 4 to 7 कितना होता है 4 to 5 हो जाएगा ना, तो टाइप बी जिलेटिन जो है ऑप्शन बी हो जाएगा 4 to 5 इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है। नेक्स्ट है पुलिसमेंट ऑफ एब्डोमेन इज ग्रेटर ओमेंटम, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा ग्रेटर ओमेंटम। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डोज फॉर्म सुटेबल टू गेट 100% अवेलेबिलिटी ऑफ ए ड्रग, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा आईवी इंजेक्शन। नेक्स्ट है ब्लूम स्ट्रेंथ जिलेटिन की कितनी होती है 150 to 250 ग्राम, 150 to 250 ग्राम होती है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है QRS कॉम्प्लेक्स इंडिकेट, ऑप्शन डी हो जाएगा वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। नेक्स्ट है हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी डिपेंड्स मोस्टली ऑन, किस पर डिपेंड करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा ऑन द एनवायरमेंटल टेम्परेचर। नेक्स्ट विच ड्रग इज यूज डायूरेटिक होता है अपना कौन सा गोखरू होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में कौन सा नहीं आता, तो प्लेग नहीं आता, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बाकी चिकन पोक्स इन्फ्लुएंजा मीजल्स ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में आते हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो STDs जो होती है उसमें कौन सी आती है, सिफिलिस आती है, गोनोरिया एड्स आता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, सारी ही जो STDs के एग्जांपल है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटेस्टिनल इन्फेक्शंस, तो इंटेस्टिनल इन्फेक्शंस में पोलियोमाइलिटिस कोलेरा हिपेटाइटिस आते हैं तीनों ही, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा आपको ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट कोल स्टेलाइजेशन इज, तो होता है स्टेलाइजेशन बाय गामा रेज, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट अ मेथड ऑफ स्पिटिंग इमल्शन, तो स्पिटिंग इमल्शन में फिल्टरिंग नहीं आता, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट स्प्लिटिंग मतलब इमल्शन को स्प्लिट करने का जो फिल्टरिंग कोई मेथड नहीं है। ओके डेफिशिएंसी विटामिन सी, तो विटामिन सी को क्या बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है स्कर्वी डिजीज होती है ना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा स्कर्वी। बेरी बेरी विटामिन B1 थायमिन की डेफिशिएंसी से होता है बेरी बेरी। नेक्स्ट है स्ट्रोफेंथस डज नॉट रिस्पॉन्ड टू, स्ट्रोफेंथस कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में आता है, तो कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए लीगल टेस्ट होता है किलर किलियानी, और बालजेट टेस्ट होता है वार्नर क्रियाजेन टेस्ट नहीं होता, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आपसे यही पूछा स्ट्रोफेंथस डज नॉट रिस्पॉन्ड टू, तो हो जाएगा कौन सा वान अर्क रिएजेंट टेस्ट, किसके लिए होता है ये बताइए आप, वान अर्क रिएजेंट टेस्ट किसके लिए होता है, मैं अभी आपको बताया वीडियो में। जैसे ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस अमीनो एसिड सीक्वेंस इज स्पेसिफाइड बाय, तो इसका हो जाएगा mRNA, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जैसे चूज द करेक्ट pH ऑफ लैक्रिमल फ्लूड, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा 7.4। जैसे लॉन्ग पेप्टाइड विच पजेस पोटेंट एनाल्जेसिक एक्टिविटी एंड फाउंड इन पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस, तो ये हो जाएगा एंडोरफिन, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एमिनोफाइलिन IP कंटेन थियोफाइलिन एंड इथाइलिन डाई अमीन, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बेंजेथीन पेनिसिलिन इज, तो ये होता है बेंजेथीन पेनिसिलिन क्या होता है, ए मोलिकुलर कॉम्प्लेक्सेशन ऑफ बेंजाइल पेनिसिलिन एंड एन डाई बेंजाइल इथाइलिन डाई अमीन, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ ऑयल इन वाटर इमल्शन एक्सेप्ट, तो देखिए ऑयल इन वाटर इमल्शन में आते हैं कोल्ड क्रीम को छोड़ के, कोल्ड क्रीम है वाटर इन ऑयल इमल्शन का एग्जांपल है, ठीक है। बाकी मिल्क शेविंग क्रीम वैनिशिंग क्रीम ये सब आते हैं ऑयल इन वाटर में आते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द क्लिनिकली अवेलेबल एंटी कैंसर ड्रग एंटी कैंसर हैव एन अंडरलाइंग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दैट एक्टर, तो ये होते हैं सेल ग्रोथ इनहिबिटर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है प्रोडक्ट साइज ऑफ 1 to 30 microns में बी ऑप्टेंड यूजिंग फ्लूड एनर्जी मिल, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा फ्लूड एनर्जी मिल। इसका प्रिंसिपल क्या होता है ये आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। इसका फ्लूड एनर्जी मिल और बॉल मिल दोनों का सेम प्रिंसिपल होता है, ठीक है, वो आप मुझे कमेंट करके बताने वाले हैं। हैमर मिल में इम्पैक्ट होता है, डिसइंटीग्रेटर में भी इम्पैक्ट होता है, कटर मिल में कटिंग होता है। जैसे एनालाप्रिलाट इज ए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज ए पेरेंट कंपाउंड ऑफ प्रोडक्ट एनालाप्रिल, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा एनालाप्रिल। नेक्स्ट है यंग्स रूल पूछा है, देखिए यंग्स रूल होता है ऑप्शन ए हो जाएगा, चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय एज प्लस 12 इनटू एडल्ट डोज। ओके देखिए ये जो डोज कैलकुलेशन चाइल्ड्स डोज कैलकुलेशन के ऊपर मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, फार्मास्यूटिक्स की प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है साइनोफोरिक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट इन लिनसीड के अंदर होता है लिनामेरिन होता है, ओके ऑप्शन ए राइट हो जाएगा लिनामेरिन। नेक्स्ट है एडवर्स इफेक्ट ऑफ साइक्लोस्पोर इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो देखिए ये ऑप्शन डी हो जाएगा,
जो साइक्लोस्पोरिन है हाइपोकैलीमिया कोज नहीं कराती, बल्कि क्या कराती है, हाइपरकैलीमिया कराती है। बाकी के नेफ्रोटॉक्सिटी होती है, एसिटोसिमन गम, हाइपरप्लाजिक ट्रेमर्स एंड सीजर्स, ये सारे साइक्लोस्पोरिन के साइड इफेक्ट हैं। नेक्स्ट है शिनोडा टेस्ट, आपको पता है ये फ्लेवोनॉइड्स के लिए होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट विद रिगार्ड्स टू बेंजलकोनियम क्लोराइड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, देखिए सारी ही स्टेटमेंट ट्रू है, ये प्रिजर्वेटिव होता है, इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, इट इज मोस्ट इफेक्टिव इन स्लाइटली एल्कलाइन कंडीशंस, ठीक है ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, सारी ही स्टेटमेंट्स जो बेंजलकोनियम क्लोराइड के बारे में राइट लिखी हुई है। ठीक है अब आप मुझे बताना ये कटाइन टर्म बायो अवेलेबिलिटी रेफर्स टू, तो बायो अवेलेबिलिटीज की डेफिनेशन आपको बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए क्योंकि काफ़ी बार इसके ऊपर क्वेश्चन रिपीट होते हैं बायो अवेलेबिलिटी के, तो ये होता है मेजरमेंट द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ थेरेप्यूटिकली एक्टिव ड्रग दैट रीचेस द सिस्टमिक सर्कुलेशन, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट लोकल एनास्थेटिक्स, तो लोकल एनास्थेटिक्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये आपने बताना है। देखिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा कि ये वीक एसिड नहीं होते, लोकल एनास्थेटिक्स क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं। ओके ध्यान रखना है वीक बेस होते हैं और क्या करते हैं, इनिबिट करते हैं सोडियम पंप्स को, एक्शन इज प्रोलॉन्ग थ्रो कंकरेंट एड्रेनल एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल सही बात है, लोकल एनास्थेटिक्स एड्रेनलिन को देते हैं उनके एक्शन को प्रोलॉन्ग करने के लिए, कैन बी मेड मोर पोटेंट इफ कंबाइंड विद सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। ठीक है तो आपसे जो पूछा था फॉल्स कौन सा, तो ऑप्शन बी फॉल्स है, बाकी के सारे ट्रू हैं। ओके नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग प्रोस्टाग्लैंडिंस, प्रोस्टाग्लैंडिंस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, देखिए दी आर मेड अप ऑफ 20 कार्बन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, बिल्कुल सही है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, जो एनसिड्स की बात हो रही है, एनसिड्स क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन बाय इनिबिटिंग साइक्लोऑक्सीजिनेज, बिल्कुल सही है, दे कोज पेन व्हेन अप्लाइड टू नर्व एंडिंग, ये भी सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सारे ही स्टेटमेंट सही दिए हुए प्रोस्टाग्लैंडिंस के बारे में। नेक्स्ट फार्माकोकाइनेटिक इज, तो फार्माकोकाइनेटिक आपको पता है एडीएमई की स्टडी होती है बहुत ही अच्छे से आपको पता है ये, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन टू हो जाएगा, स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, इसको फार्माकोकाइनेटिक बोलते हैं। नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड डी टैब जो होता है उसका चेयरमैन कौन होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज मोस्ट लाइकली टू लीड टू फर्स्ट पास इफेक्ट, पता ही है आपको ओरल रूट होता है, ऑप्शन टू राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टेंट यूकलिप्टस ऑयल के अंदर क्या होता है, सीनियोल प्रेजेंट होता है, ऑप्शन जो है आपका सी हो जाएगा, सीनियोल। नेक्स्ट है लोडिंग डोज ऑफ ड्रग इज यूजुअली बेस्ड ऑन द, तो लोडिंग डोज किस पे बेस्ड होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिजायर्ड ड्रग कंसंट्रेशन इन द प्लाज्मा, ऑप्शन टू आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स आर कंसर्न्ड विद, तो ये शेड्यूल एक्स में आती है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, शेड्यूल एक्स। नेक्स्ट है लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी सी वन आर इश्यूड इन द फॉर्म, तो इसके लिए सी सी वन और होलसेल के लिए 21 ऑफ बी आ जाएगा ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 21B। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ नॉइज विटनी इक्वेशन इज टू डिस्क्राइब द, तो ये होती है डिसोल्यूशन रेट के लिए होती है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है एबीसी एनालिसिस का मतलब होता है ऑलवेज बेटर कंट्रोल, तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में, डी में दिया हुआ ना, ऑलवेज बेटर कंट्रोल। नेक्स्ट है शेड्यूल ओ किसके लिए होता है, तो शेड्यूल ओ किसके लिए होता है, स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूड के लिए होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूड। नेक्स्ट है पेलेग्रा इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, तो सभी को पता है नायसिन जिसको विटामिन B3 बोलते हैं, इसकी डेफिशिएंसी से पेलेग्रा होता है, इसको ट्रिपल डी डिजीज भी बोलते हैं, डायरिया डिमेंशिया डर्मेटाइटिस ये सब होता है। नेक्स्ट है विच फॉर्म नंबर शुड बी यूज फॉर एप्लीकेशन टू इम्पोर्ट ड्रग फॉर पर्सनल यूज, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, फॉर्म नंबर 12A। नेक्स्ट है रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू, तो ये होता है ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड इनटू मिनिमम कंजप्शन ड्यूरिंग द पीरियड या फिर मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड माइनस मैक्सिमम यूजेस, दोनों ही तरीके से इसको ये होता है इसका रीऑर्डर लेवल। ओके ऑप्शन सी हो जाएगा बोथ। नेक्स्ट है अडल्ट्रेशन ऑफ क्लोव इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, देखिए क्लोव के अडल्ट्रेशन में मदर क्लोव भी आता है, ब्राउन क्लोव आता है, क्लोव स्टॉक आता है, बट ये क्लोव बर्ड्स नहीं आता, ठीक है ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मेन एडवर्स इफेक्ट क्लोरामफेनिकोल का कौन सा होता है, तो ए प्लास्टिक एनीमिया, ग्रे बेबी सिंड्रोम दोनों ही हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा बोथ। नेक्स्ट है सब कोटिंग इज गिवन टू द टेबलेट, सब कोटिंग क्यों देते हैं, टू इंक्रीज द बल्क एंड टू राउंड अप द एजेस, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जैसे वॉरफेयर बिहेवियर्स कंपेटिटिव एंटागनिस्ट ऑफ विटामिन के, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जैसे एनुअल यूजेस वैल्यू इज इक्वल टू, तो ये होता है ऑप्शन डी हो जाएगा, एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर आइटम। ओके तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। जैसे ट्रिपल वैक्सीन फॉर प्रिवेंशन ऑफ वायरस
इन्फेक्शंस प्रोटेक्ट अगेंस्ट, ठीक है। तो ये जो ट्रिपल वैक्सीन होती है मीजल्स मम्स और रुबेला के लिए होती है, कोक्सैक्की वायरस नहीं होगा इसमें, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है तो इसमें थियोब्रोमा ऑयल इज अ टाइप ऑफ, तो ये थियोब्रोमा ऑयल जो होता है ओलेजिनस में आता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कटाइनिक सर्फेक्टेंट, तो कटाइनिक में कौन सा आ जाएगा आपका, बेंजलकोनियम क्लोराइड आ जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग सेमी सॉलिड प्रिपरेशन में आपके क्रीम्स और ऑइंटमेंट्स जेल्स तीनों आते हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट है बीसीजी क्या है, लाइव टाइप की वैक्सीन है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मोस्ट कॉमन फेज सेकेंड रिएक्शन में आपका ग्लूक्यूरोनाइड कॉन्जुगेशन आ जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एपिनेफ्रिन इज एडेड टू लोकल एनास्थेटिक्स, तो क्यों ऐड करते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, टू प्रोलोंग द एक्शन ऑफ लोकल एनास्थेटिक। जैसे बाइंडिंग ऑफ इंसुलिन टू इंसुलिन रिसेप्टर्स ट्रिगर्स टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एज म्यूकोलिटिक, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्रोमहेक्सीन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट सेलेक्टिवली इनिबिट सीरोटोनिन रीअपटेक, तो सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर आपसे पूछा हुआ है, तो फ्लॉक्सिटीन, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, फ्लॉक्सिटीन, फ्लॉक्सामिन, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम, पेरोक्सिटीन, ये होती है ना। जैसे प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लोकल एनेस्थेटिक्स करते हैं, सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करते हैं, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूजफुल ट्रीटमेंट ट्राइजामिनल न्यूरालजिया, तो इसमें आपको पता ही है कार्बामाज़ेपीन देते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बामाज़ेपीन। नेक्स्ट है शॉर्ट हाफ लाइफ ऑफ थायोपेंटल इज प्राइमरली ड्यू टू, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है पेरिफेरल न्यूराइटिस कॉज्ड बाय आइसोनियाज़िड कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्री ट्रीटमेंट विद, तो आइसोनिक्स देते हैं इसको, आप क्या बोलते हैं, पायरेटोक्सिन, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इनिबिट द एंट्री ऑफ वायरस इनटू द सेल, तो एम्फियोबिट्राइड, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वन ऑफ देम इज नॉट अ प्रोड्रग आइडेंटिफाई, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कैप्टोप्रिल है, ये प्रोड्रग नहीं है, बाकी के प्रोड्रग है, तो एक याद रखना कैप्टोप्रिल लिसिनोप्रिल को छोड़ के सारे एसी इनिबिटर्स प्रोड्रग होते हैं, ओके। जैसे लॉन्ग टर्म एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नाइट्रेट्स कैन कोज, तो टॉलरेंस हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ क्लास वन बी एंटी डिसरिदमिक एजेंट, क्लास वन बी में कौन सा आता है, तो ये लिडोकेन आ जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग इज फीकल सॉफ्टनर, तो इसमें डोकुसेट सोडियम, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ओंडनसिट्रोन इज, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 5-HT3 रिसेप्टर एंटागनिस्ट होता है ओंडनसिट्रोन। रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी इज फ्लूडिटी, ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्लूडिटी। नेक्स्ट है यूनिट इन विच सरफेस टेंशन इज मेजर्ड, तो ये होता है डाइन पर सेंटीमीटर होता है, डाइन पर सेंटीमीटर, तो ऑप्शन बी में डाइन सेंटीमीटर इनवर्स दिया हुआ, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अब एक क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी सीजर ड्रग इज ऑल्सो इफेक्टिव इन ट्रीटिंग ट्राइजामिनल न्यूरालजिया, ऑप्शन है पिरिमिडोन, टोपिरामेट, कार्बामाज़ेपीन या लैमोट्रिगिन। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो में भी बताया है, अगर आपने वीडियो को अच्छे से सुना है तो इसका आंसर आप दे देंगे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस टाइप के इम्पोर्टेंट MCQs होते हैं वो हम अपने चैनल पर डिस्कस करते रहते हैं, जो फार्मा एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो अगर आप किसी भी फार्मा एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, ठीक है, तो चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो अगर आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ओके, थैंक यू।